हेलो गाइस, व्हाट इज अप, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फेक पिक्सेल। तो मुझे पता है फेक पिक्सेल के अंदर बहुत सारे नए नए अपडेट्स आ चुके हैं। मेयर डेरपी भी आ चुका है, डंजन्स फ्लोर 5 भी रिलीज हो चुका है और लिटरली बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ डेरपी मेयर के लिए आप सब लोग को क्या ग्राइंड करना चाहिए। मनी ग्राइंड करते हो तो आप सब लोग को मनी कैसे मिलने वाला है। स्किल ग्राइंड करते हो तो क्या करना है आपको। स्किल ग्राइंड करने के लिए फ्लोर 5 आ चुका है तो उसको भी खेलेंगे हम। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो और फटाफट से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो का लाइक हम रखने वाले 80 लाइक का। 80 लाइक्स यहाँ पर हम कंप्लीट कर सकते हैं। चलो देखते हैं, अगर 80 लाइक्स हो जाते हैं तो हम यहाँ पर जो है 5 मिलियंस का गिव अवे शुरू कर देंगे। अगर आप सभी लोगों ने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैंने लिंक दे रखी है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। आप गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपको गिव अवे भी मिलने वाला है। उसी के साथ मैंने बूस्टर पर्क्स का यहाँ पर जो है नई नोटिफिकेशन डाली है, उसको भी चेक कर लेना। ठीक है, तो फटाफट से चलते अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। ओके, सो फेक पिक्सेल के अंदर बहुत सारे नए नए अपडेट्स आ चुके हैं और लिटरली इतने सारे अपडेट्स आ चुके हैं तुम क्या ही बताओ। सबसे पहला अपडेट जो कि है डेरपी मेयर आ चुका है। और डेरपी मेयर आप सभी लोगों को पता ही है, डेरपी मेयर के पास आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने शॉर्ट्स भी डाला था और उसके साथ मैंने पुराने वीडियोस भी आप सभी लोग देख सकते हो। ये वाले डेरपी मेयर से हम यहाँ पर बहुत सारे पैसे ग्राइंड कर सकते हैं बाय मिनियंस। कौन से मिनियंस यूज करना है? स्नो मिनियंस यूज कर सकते हो, एज वेल एज काउ मिनियंस भी यूज कर सकते हो। काउ मिनियन भी सबसे ज्यादा मनी देने वाला मिनियन अभी फिलहाल है। तो 3 दिन हो चुके हैं, मिनियंस मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं किए, तो आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर डेरपी से कैसे यहाँ पर पैसे आप सभी लोग ग्राइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना ब्लेज मिनियन निकालने वाला हूँ। ओके, सो ब्लेज मिनियन का यहाँ पर जो है 3 दिन में 1 ब्लेज मिनियन हमें कितना ज्यादा मनी ग्राइंड करके दे सकता है ये भी देख लेते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर बाजार, अरे मेरे बूस्टर कुकी खत्म हो गया, वेट मुझे बूस्टर कुकी लेना पड़ेगा। 10 seconds later. ओके, सो फाइनली मैंने बूस्टर कुकी लेके आ चुका हूँ और यहाँ पर फटाफट से इसको ईट करते हैं। और इस टाइम कितना बिट्स मिलने वाला था वो भी देखा नहीं मैंने, डायरेक्टली खा लिया। इसको फटाफट से सेल करते हैं बाजार के अंदर, क्या हमें इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे देखते हैं। तो ब्लेस को सेल करते हैं और हमें 3 दिन के अंदर 290K हमें यहाँ पर मिलने वाला है। सो बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है, मतलब इसके प्राइस कम हो चुकी है इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कम है। सो यहाँ पर देख चेकआउट करते हैं स्नो मिनियन के प्राइस, ये भी हमने लास्ट 3 डेज पहले ही कलेक्ट किया था। ओके, सो हमारे पास, सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्नो ब्लॉक्स भी आ चुके हैं इंचेंटेड। 3 दिन के अंदर हमने स्नो मिन की ये सारी चीजें कलेक्ट की है। अभी देखते हैं इसको सेल करके बाकी यहाँ पर हमें मिल चुके हैं 270 और बाकी हमारे पास एक डायमंड का ब्लॉक भी है। सो 400K हमें यहाँ पर जो है इसका प्रॉफिट मिल चुका है, मतलब ब्लेज मिनियन से ज्यादा ही मिला है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास काउ मिनियन भी है, काउ मिनियन भी लगाया था हमने। बाकी यहाँ पर सारी चीजें कलेक्ट करते हैं और इसको सेल करते हैं बाजार के अंदर। अभी देखते हैं इसकी कॉस्ट कितनी होती है। बाकी बाजार के अंदर मैं लेदर को सेल कर सकता हूँ, तो लेदर से हमें 19,000 मिलेंगे। बाकी एंचेंटेड रॉब भी है मेरे पास, तो भी सेल करते हैं फटाफट से 35,000। ओके, बाकी यहाँ पर हमारे पास ये रॉब भी है, इसको भी सेल कर दो। ठीक है, सो हमारी मेन चीज 287, नाइस। और अरे ये सेल नहीं होता, इसको हमें एनपीसी को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सेल करते हैं एडवेंचर को। ओके, सो 102, मतलब 300 समथिंग, लगभग 400। सो यहाँ पर स्नो मिनियन और या फिर आप काउ मिनियन यहाँ पर दो चीजें लगा सकते हो। अगर आपने स्नो मिनियन भी लगा दिया तो भी आपका काम जो यहाँ पर हो जाने वाला है। तो मिनियन से आप यहाँ पर जो है 3 डेज के अंदर 400K आप इजिली 1 मिनियन से कमा सकते हो। बाकी आप चाहे जितने मिनियंस लगा लो उतने आपको पैसे मिल जाने वाले। तो यहाँ पर स्किल ग्राइंड करने के लिए मैं सोच रहा हूँ 4G ग्राइंड करते हैं, बिकॉज अभी देखो सबके यहाँ पर जो है स्किल्स का एक ही फंडा होता है। यहाँ पर फार्मिंग भी बढ़ जाती है, माइनिंग भी करते हैं लोग, माइनिंग के मतलब मिनियंस लगा देते तो ऑब्वियसली माइनिंग एक्सपी आपको मिल जाने वाली है। बाकी स्लेयर्स करते हैं तो कॉम्बैट एक्सपी भी मिल जाती है, या फिर आप डंजन करते हैं तो फिर भी आपको कॉम्बैट एक्सपी मिल जाती है। बट यहाँ पर आपको 4G एक्सपी नहीं मिलती है, बिकॉज आप 4G करते ही नहीं हो। बहुत लोगों की 4G एक्सपी जो है बहुत कम होती है, और मतलब अगर आपको डैमेज बढ़ाना है ना गाइस, तो आपको 4G और क्रिटिकल डैमेज और क्रिटिकल चांसेस ज्यादा होने चाहिए। तो अगर स्ट्रेंथ के लिए आपको 4G करनी ही पड़ेगी, बिकॉज हमें यहाँ पर रिवॉर्ड में स्ट्रेंथ मिलती है गाइस। इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ मिलती है, और इसी चीज को देखकर मैंने यहाँ पर जो कुछ दिन पहले ही बहुत सारे जंगल वुड वाले मिनियंस लगाए थे, मैंने जंगल मिनियंस लगाए थे जिससे हमें यहाँ पर बहुत सारे एंचेंटेड जंगल वुड्स मिले। बिकॉज अगर मैं बाजार के अंदर इसकी प्राइस चेक करूँ तो जंगल वुड की प्राइस सबसे ज्यादा है, ये देख सकते हो यहाँ पर 2000 यहाँ पर जो है सेलिंग है। बाकी यहाँ पर किसी की इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं है जो यहाँ पर इसको सेल करे, इसकी वजह से मैंने ये वुड चूज किया है। देख सकते हो यहाँ पर दिखा देता हूँ, सारे वुड दिखा देता हूँ, ये देखो सबसे कम ही है, ये भी 2000 से ऊपर नहीं है, ये भी देखो गाइस, मतलब जंगल वुड जो है सबसे ज्यादा मनी देता है आपको अगर आपको फोर्जिंग एक्सपी चाहिए हो। तो डेरपी मेयर आपको 50% स्किल्स देता है, ठीक है, 50% आपको स्किल्स देने वाला है। बाकी यहाँ पर बूस्टर कुकी क्या देता है आपको? बूस्टर कुकी हलवा देता है? नहीं, बूस्टर कुकी भी आपको चीजें देता है। क्या देता है बूस्टर कुकी? बूस्टर कुकी भी आपको
यहाँ पर 20% स्किल एक्सपी देने वाला है, मतलब डेरपी और बूस्टर कुकी इसको मिक्स कर दे तो हम यहाँ पर 70% स्किल अर्न करने वाले है। सो फटाफट से जितने भी मिनियंस देख सकते हो कितने भर चुके हैं, बिकॉज मुझे पता है डेरपी मेयर आने वाला था। डेरपी मेयर की वोटिंग जब चालू हो चुकी थी तभी मैंने ये सारे मिनियंस को लगा दिया और ये लगभग 10 मिनियंस है, 10 मिनियन है, और 10 मिनियंस से हमें कितना ज्यादा एक्सपी मिलने वाला है देखते हैं। और चलो फटाफट से निकालते हैं जितने मिनियंस हो सकते उतने। मैंने लगभग सारे मिनियंस को खाली कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे एन्चेंटेड जंगल बोर्ड्स आ चुके हैं, मतलब लगभग पूरी इन्वेंटरी फुल होने को आ रही है और मैंने सबके सब निकाल लिया शायद से। और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ कितने आ चुकी है, तो स्ट्रेंथ हमारे पास कुछ 23 थी और अभी हमारे पास आ चुके 24, मतलब कम्प्लीटली हमारे पास लगभग बहुत सारी एक्सपी आ चुकी है। ओके सो इससे हम यहाँ पर अच्छी तरीके से फोर्जिंग एक्सपी ग्राइंड कर सकते हैं और जरूरत है यार हर चीज को, हर किसी को यहाँ पर फोर्जिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज इससे हमें स्ट्रेंथ मिलने वाली है और जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ क्रिटिकल डैमेज सेम होगा उतना ज्यादा आपका डैमेज भी अच्छा होने वाला है। सो इसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर इसको सेल भी कर लेते हैं बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है। 2.4 मिलियन, लेट्स गो 2.4 मिलियन गाइस। तो हमारे पास ये सारी चीजें डेरपी मेयर के लिए स्पेशली, बाकी यहाँ पर जो है आप प्लेस भी ग्राइंड कर सकते हो, बाकी डंजन भी ग्राइंड कर सकते हो, उससे भी आपको स्किल्स मिलने वाली है बहुत सारी कॉम्बैक लेवल की। तो यहाँ पर और भी बड़े बड़े अपडेट्स आ चुके हैं जो कि है फेक्सल डंजन फ्लोवर 5, उसके लिए हमारे पास और एक चीज ऐड हो चुकी है जो कि है किस्मत फेदर्स, जो कि आपको मिल जाने वाले कम्युनिटी सेंटर के अंदर। तो फटाफट से आपके अंदर जाके आप सभी लोगों को दिखाता हूं मैं। और यहाँ पर आपको देखने मिल जाने वाला है एलिजाबेथ और यहाँ पर आपको मिल जाता है किस्मत फेदर। सो यहाँ पर जो है आप किस्मत फेदर का यूज करके डंजन की चेस को चेंज कर सकते हो। सो ये बहुत बड़ी चीज है और डंजन रिलीज हुआ था तभी आना चाहिए था, बट ठीक है कोई ना, अभी आया है। ओके सो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी है, बाकी यहाँ पर जो है नए आर्मर्स वगैरह और नए स्वॉर्ड्स वगैरह भी ऐड हो चुके हैं, जैसे कि लिविड डैगर और उसके साथ साथ शैडो असिस्टेंट सेट, जो कि भाई बहुत ऑसम आर्मर है अभी के लिए डंजन के अंदर। और डंजन के लिए भाई सबसे बड़ी बात है मेरे पास खुद हाईपिक्सल के अंदर वो आर्मर अवेलेबल है। ठीक है, मैं भी आपसे लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और यहाँ पर जो है हमने लगभग 5 मिलियन का गिव अवे चालू कर दिया अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर। अगर आपको 5 मिलियन कॉइंस चाहिए तो गाइस फटाफट से पार्टिसिपेट करो गिव अवे के अंदर, अगर आप लकी होगे तो आपको 5 मिलियन कॉइंस गिव अवे हो जाएगा। करते हैं इस वीडियो खत्म, मिलते अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।